সৎকার কৰাটো পুণ্য বুলি কয়, ধৰ্ম বুলি কয়। কিন্তু ধৰ্ম আৰু কৰ্মৰ প্ৰতি কাৰো ৰাপনি। ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰহেমবজাৰৰ নিবাসী অভিযন্তা মৃণাল বিন কুতুবৰ প্ৰযোজনা আৰু ৰোজি বৰাৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্মাণ হোৱা দি লাষ্ট অনাৰ নামৰ চলচ্চিত্ৰখনে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি হিমাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান লাভ কৰে চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক ৰোজি বৰাই। শতিকাটোৰ অতিকৈ ভয়াৱহ পেণ্ডেমিক কোভিড-19 পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা এই দি লাষ্ট অনাৰ ছবিখনে দৰ্শকৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজ হিমাচল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল কা তীসৰা দিন হয় আৰু তীসৰে দিন কি পহিলি ফিল্ম হমনে দেখি রোজি জি কি দ্য লাস্ট অনার। আর জব ফিল্ম খতম হোনে কে বাদ উনকা ইন্টারেকশন হুয়া, উনকো সম্মানিত কিয়া গয়া, তব মুঝে পতা চলা কি ইয়ে উনকি পহলি ফিল্ম হ্যায়। আর দেখ কে লগ নি রাহা থা কি উনকি পহলি ফিল্ম হ্যায়, ক্যোঁকি ইতনি খুবসুরতি সে উনহোনে আপনে সিন কো পিরোয়া। আর জিস তরহ কে ক্যামেরা অ্যাঙ্গল, জিস তরহ সে উনহোনে শর্ট ডিভিজন কি হ্যায়, তো এসা লগ রাহা হ্যায় কি মতলব वो सबकॉन्शियसली है ना बहुत प्रैक्टिस करती आई है कई सालों से। तो जब उनको पहला मौका मिला डायरेक्शन करने का तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और इसमें ना फर्स्ट हाफ में बच्चे का एक बहुत कमाल का रोल है, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो होते हैं ना बड़े नेचुरल एक्टर होते हैं, बशर्ते उनको प्रॉपर गाइड किया जाए। तो मैं इसमें डायरेक्टर की जीत पूरा क्रेडिट डायरेक्टर को उस बच्चे को देना चाहूँगा कि डायरेक्टर ने किस तरह से किस खूबसूरती से इतना नेचुरल और इतना सहज अभिनय निभाया उस बच्चे से। और डे टू डे लाइफ में भी जैसे पहला सीन था वो गोबर लगाने का, वो जो लेडी जिस तरह से गोबर लगा रही थी, कैमरा लगा हुआ और वो लगा रही थी, हम उस माहौल में पहुंच गए थे। हम आसाम के उड़ीसा के उस गांव में पहुंच गए थे जिस गांव में रोजी जी हमें पहुँचाना चाहती थी। और उस डिप्रेशन के माहौल में भी गए जब कोविड आया, कोविड का वो जो दौर स्टार्ट हुआ इस फिल्म में, तब जेन्युइनली वो जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का दुख था वो हम फील कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड हम सब ने देखा है। और एक छोटे से गांव में किस तरह से उसने उस चीज़ों को झेला और किस तरह से उसकी दुनिया, उसका संसार सब उसकी बेटी और उसकी धर्म पत्नी थी। और एक सीन तो बहुत इमोशनल कर गया जब वो जब हमारा हीरो अपनी बीवी की वो पॉलिथिन में से फाड़ के जब फेस देखता है, वो इतना रियल था कि मतलब काबिले तारीफ है, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और ऐसे फिल्म मेकर को आगे आना चाहिए और इसी तरह का सिनेमा बनाते रहना चाहिए। और हैट्स ऑफ टू हर एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर, थैंक यू। बट जितना भी मैंने परफॉर्मेंसेज देखे हैं इतने नेचुरल परफॉर्मेंसेज हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी बच्चा एनेक्ट कर रहा है। तो ये जो है आपको ये श्रेय जाता है जो आपने उन बच्चों से काम कराया, बहुत सुंदर काम है। और जैसा कि संजय भैया ने भी बोला कि डीओपी का काम बहुत बढ़िया, उन्होंने जिस तरह से लोकल को दिखाया है और जो कहानी आप लोगों ने कही है बहुत ही टची थी। और लास्ट में जाते जाते तो आपकी आंखें ऐसी नम सी हो ही जाती हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू। Hello, hi. My name is Sudarshan Sunny, producer from Bangalore. The last honor, which was subject on a COVID, it has really touched all of our hearts. Because one way or the other, we were all COVID warriors. Once upon a time, yes, I hope we won't face that one again. But the small things, the difficulties or whatever it is, when we all went through the COVID time, it has been very well executed. It's very well directed, madam. And I heard it's a debutant director. I didn't expect the output of the film that doesn't show that one. Congratulations, very well done. We expect have such kind of more films. हम इसके पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये रोजी है, रोजी बरुआ बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है आपका द लास्ट ओनर। उसका जो एक्टर है वो भी बहुत बढ़िया था, वाइफ का रोल बहुत बढ़िया किसी ने किया था, आपने भी। हाँ, मतलब रोजी की खासियत ये है कि ये लड़की हो करके इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई,
देखने में कॉमेडी लगती है ये लेकिन लेकिन ये है बहुत सीरियस फिल्म बनाई है इसने। इसकी अगर आपके हाथ लग जाए कभी ये फिल्म तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। जिंदगी की एक सच्चाई है वो फिल्म। और थैंक यू रोजी, मैंने ये फिल्म देखी। मैं थोड़ा लास्ट में थोड़ा घबरा गया था तो मैं थोड़ा हॉल छोड़ के भाग गया था। वरना मैंने पूरी फिल्म, और आसाम दिखता है, पूरा आसाम का कल्चर दिखता है, चीजें दिखती हैं, अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। यार ऊपर ही जुआ 10 जून मुंबईर मयूर हॉलत दादा साहेब फाल्के सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियन अवार्ड चलचित्रखनर प्रयोजक मृणाल बीन कुटुबक प्रदान करा है। অসমীয় চলচ্চিত্ৰৰ এনে বিশ্বমুখী যাত্ৰাত অসমাদিত্যৰ তৰফৰ পৰাও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য।